महादेव के आशीर्वाद से देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था। देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं और कायम रहेंगे। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी में, अवधूत बाबा भगवान राम के सानिध्य में, दीनदयाल की स्मृति में मैं काशी के लोगों को, देश के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि देश के लिए काम निरंतर जारी रहेगा। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी तादाद में यहां आने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों की प्रेरणा मूर्ति, उनके आशीर्वाद देने के लेने के लिए हम इतनी बड़ी मात्रा में यहां पहुंचे, आप सब धन्यवाद के अधिकारी हैं और हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महापुरुष के चरणों में हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, उस तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप बताइए, वो 50 करोड़ से अधिक देशवासी जिनको आज आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज संभव हुआ है, वो कौन है? ये 70 वर्षों में विकास के आखिरी पायदान पर ही तो रहे हैं। आज देश में लगभग 90 लाख गरीब मरीजों को इलाज मिल चुका है, जिसमें से यूपी के 3 लाख और वाराणसी के करीब 16,000 हमारे साथी हैं। देश के वो 11 करोड़ साथी भी अंतिम पायदान पर ही थे जिनके घर में पहली बार शौचालय पहुंचा है। देश के वो 8 करोड़ से अधिक परिवार भी अंतिम पायदान पर ही थे जिनको पहली बार उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। इसमें भी यूपी के करीब 1.5 करोड़ और वाराणसी के लगभग 2.25 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। इनमें भी करीब 50 लाख मेरे दलित भाई बहनों के परिवार हैं जिनको उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। देश के करीब 2 करोड़ साथी जिनको पक्का आवास मिला है, वो भी आखिरी पायदान पर खड़े हुए लोग थे। आज जिन 24 करोड़ देशवासियों को 4 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा मिल रहा है, वो भी अंतिम पायदान पर थे। जिन करोड़ों किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की सुविधा तय हुई है, वो भी विकास के आखिरी पायदान पर रहे हैं। साथियों, आजादी के लंबे कालखंड तक इस आखिरी पायदान को बनाए रखा गया क्योंकि इसकी समस्याओं को सुलझाने में नहीं, उलझाने में ही राजनीतिक हित सिद्ध होते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है, देश बदल रहा है। जो आखिरी पायदान पर रहा है उसे अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।